स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अनुलेखन पार्ट वन देखा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शब्दों का अनुलेखन कैसे करते हैं और उस वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। जब शब्दों का अनुलेखन करते हैं तो उस वक्त हमें शब्दों की मात्रा को ध्यान में रखकर लिखना है। इसके अलावा अच्छे अक्षरों में भी शब्दों को लिखना होता है। तो हमने उस वक्त कौन कौन से शब्द देखे थे, याद है आपको? गुड़िया, पौधा, चींटी, कलम, हथौड़ा, बालक, खुशबू, अजगर, दरवाजा, कक्षा, तितली इत्यादि शब्द हमने देखे थे। आज हम अनुलेखन पार्ट टू के अंदर वाक्य को देखेंगे। वाक्य का अनुलेखन करते वक्त हमें शब्दों की मात्रा को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा वाक्य अच्छे अक्षरों में लिखना जरूरी है। जब वाक्य लिखते हैं तो उसके अंदर अल्पविराम, पूर्ण विराम जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वह भी हमको ध्यान में रखकर लिखना है। यहाँ पे प्रश्न त्रण के अंदर सूचना लिखी है, वाक्य पढ़कर अनुलेखन करो, यानी कि वाक्य वाचिने अनुलेखन करो। पहला वाक्य है अमर कसरत कर। अमर कसरत कर। अब देखो मैंने क्या लिखा, अमर कसरत कर। अमर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अल्पविराम दिया। अल्पविराम का मतलब होता है कि वहां पे हमें थोड़ा रुक कर आगे का वाक्य फिर बोलना है। वाक्य पूरा होते ही मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम के रूप में खड़ी लाइन की है। तो इस वाक्य को कैसे बोला जाएगा, अमर कसरत कर। अब आगे का वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है रमा आम खा। रमा आम खा। अब देखो रमा लिखने के बाद मैंने क्या किया, अल्पविराम किया, फिर लिखा आम खा। तो यहाँ पे रमा बोलने के बाद मुझे थोड़ा रुकना है, फिर आगे का वाक्य बोलना है। इसका मतलब यह होगा कि जिसका नाम है उसको संबोधन के रूप में मैं उसको बोल रही हूँ कि रमा आम खा, तो मैं रमा को यह बात बता रही हूँ। आगे का वाक्य है आशा पाठ याद कर। आशा पाठ याद कर। मैंने क्या किया, आशा लिखने के बाद अल्पविराम किया, फिर आगे का वाक्य लिखा पाठ याद कर। इसका मतलब कि आशा तू पाठ याद कर। आगे का वाक्य है किरण इमली खा। किरण इमली खा। तो यहाँ पे देखो किरण लिखते हैं तो उस वक्त क के आगे ह्रस्व ई है, और इमली लिखते हैं तो इमली में यहाँ पे छोटी ई आएगी और यहाँ पे ल में बड़ी ई है। फिर आगे का वाक्य है विद्या सितार बजा। विद्या फिर अल्पविराम सितार बजा। यहां पे देखो विद्या लिखा तो व के आगे छोटी ई है,
और सीता लिखते हैं तो सौ के आगे भी छोटी ई, तो यहाँ पे कैसे बोला जाएगा, विद्या सीता बजा। फिर आगे का वाक्य है, अमीना ईद आई, अमीना अल्पविराम ईद आई। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, अमीना लिखने के बाद क्या किया, अल्पविराम किया और ईद आई, तो मैं अमीना को बोल रही हूँ अमीना ईद आई। तो यहाँ पे अमीना म में क्या है, दीर्घ ई है यानी कि बड़ी ई। यहाँ पे ईद लिखते हैं तो ईद में भी बड़ी ई है, आई में भी बड़ी ई है। आगे का वाक्य देखते हैं, वसीम गड़ी पहन, वसीम अल्पविराम गड़ी पहन। अब यहाँ पे आप देखो घड़ी लिखा तो मैंने ड के नीचे क्या किया, नुक्ता किया। मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे नुक्ता आता है वह करना जरूरी है वरना उसका अर्थ बदल जाता है। तो वसीम घड़ी पहन। आगे का वाक्य है, कुसुम मुख साफ कर, कुसुम अल्पविराम मुख साफ कर, फिर पूर्ण विराम। कुसुम लिखते हैं तो उस वक्त भी आपको ध्यान में रखना है कि कुसुम तो यहाँ पे दोनों में छोटा उ होगा, फिर मुख लिखते हैं उसमें भी म में छोटा उ आता है, कुसुम मुख साफ कर। आगे का वाक्य है, रामू काजू खा, रामू काजू खा। अब बताओ मैंने कहाँ मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अल्पविराम नहीं किया है। रामू लिखते हैं तो उस वक्त यहाँ पे हिंदी में दीर्घ उ आता है यानी कि बड़ा उ आता है। अगर आप गुजराती में रामू लिखोगे तो ह्रस्व उ आएगा यानी कि छोटा उ होगा। काजू, काजू में भी यहाँ पे बड़ा उ है, रामू काजू खा। अब आगे का वाक्य देखते हैं, तू गाय का दूध पी, तू गाय का दूध पी, तू गाय का दूध पी। अब यहाँ पे देखो तू लिखा तो मैंने क्या किया, दीर्घ उ किया। अगर आपने गुजराती में लिखा है तो ह्रस्व उ आता है लेकिन यहाँ पे दीर्घ उ आएगा, तू गाय का दूध पी, लेकिन मैंने तू के बाद अल्पविराम नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ही ऐसे उसको बोल लेती हूँ कि तू गाय का दूध पी, मैं वहां पे रुकती नहीं हूँ। फिर आगे के वाक्य देखते हैं, बेला एक केला था, ग्यारहवें नंबर में है, बेला अल्पविराम एक केला खा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, बेला एक केला खा, बेला के बाद मैंने अल्पविराम किया, एक लिखते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है एक क लिखा है मैंने, एक नहीं लिखा, यहाँ पे मात्रा आएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बेला एक केला खा। आगे का वाक्य है, नैया पानी में तैरती है, नैया पानी में
करती है। अब देखो नैया यानी कि नाव, नाव पानी में तैरती है। तो मैंने म के ऊपर एक मात्रा किया, फिर यहाँ पे बिंदी की है, वह जरूरी है। जब भी आप मैं लिखते हो तो यहाँ पे बिंदी करनी है। नैया पानी में तैरती है यानी कि नाव पानी में तैरती है। आगे का वाक्य है, मैं ऐनक पहनता हूँ। मैं ऐनक पहनता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैं जब लिखते हैं उस वक्त भी बिंदी करनी जरूरी है। मैं ऐनक, ऐनक के ऊपर एक मात्रा आएगी। हम गुजराती में लिखते हैं तो दो मात्रा करते हैं ऐ बोलते वक्त, लेकिन यहाँ पे ऐ बोलते हैं तो सिर्फ एक ही मात्रा आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐनक पहनता हूँ, हूँ लिखते हैं तो ह के ऊपर चंद्रबिंदी और यहाँ पे बड़ा उ होगा। आगे का वाक्य देखते हैं, मोहन टोकरी उठाओ। मोहन टोकरी उठाओ। मोहन टोकरी उठाओ, तो मोहन के बाद पटकना है और फिर आगे का वाक्य बोलना है। 15वें नंबर का वाक्य है, कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया। अब देखो मैंने ड के नीचे क्या किया, नुक्ता किया, उड़ गया। आगे का वाक्य है, मौलिक औषधि लाया। मौलिक औषधि लाया, तो ये वाक्य सही है। देखो तो मौलिक के बाद अल्पविराम करना है नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं मौलिक को नहीं कह रही हूँ कि मौलिक औषधि लाया, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मौलिक औषधि लाया, इसलिए मैं यहाँ पे मौलिक के बाद यहाँ पे रुकती नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे अल्पविराम नहीं किया है। आगे का वाक्य है, गंगा पतंग उड़ाती है। गंगा पतंग उड़ाती है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गंगा पतंग उड़ाती है, तो मैं गंगा को नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी अल्पविराम नहीं किया है। आगे का वाक्य, ऋतु बदलती है। ऋतु बदलती है। आगे का वाक्य देखो, वृक्ष फल देता है। वृक्ष फल देता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वृक्ष फल देता है। आगे का वाक्य है, चांद रात को निकलता है। चांद रात को निकलता है। चांद रात को निकलता है, चा के ऊपर क्या आएगा, चंद्रबिंदी। ओके, तो हमने ये वाक्य देखे, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जब वाक्य का अनुलेखन करते हैं तो हमको क्या ध्यान में रखना है। थैंक यू।